समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल भिंड के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने प्रदेश उपाध्यक्ष आरएस यादव, जिलाध्यक्ष नीरज यादव के साथ कई पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा दाव किया और दावा करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश की गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस सरकार, बिना समाजवादी पार्टी के नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्साह जोश में तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी अब सत्ता में भागीदारी करेगी। जिला अध्यक्ष नीरज यादव ने जिले के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए प्रचार करने और मतदान करने की अपील की। वाले 2023 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी इस बार जोश खरोश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और हमारा प्रयास ये है इस बार कि बिना समाजवादी पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नहीं बनेगी। इस बार हम इस तैयारी के साथ चल रहे हैं। जी की बैठक थी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार। हम सब लोगों भिंड जिले के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में भिंड जिले के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी जहाँ भी रिश्तेदारियाँ हैं, सारे लोग जाके अपनी रिश्तेदारियों में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए प्रचार प्रसार करें, उनके पक्ष में वोट करवाने का काम करें।